वोट डालेंगे, खान साहब ने जो अजय जय साहब को प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बनाए हैं उनको वोट डालेंगे, मनोहर फैसला तस्लीम करेंगे। और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने यह बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब ही वो वाहिद लीडर है, कौमी लीडर है, जो वफाक के अंदर बैठ के पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा भी कर सकते हैं, तमाम सूबों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। और मुल्क की खातिर जो उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अजय जय साहब को बनाया है और छोटे सूबे से, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़े पल का मुजहरा है और वो भी सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छी बात है। मुकाबला हो रहा है, मैं तो वोट डालने के लिए जा रही हूँ और जारी बात अजय जय साहब के लिए ये वोट डालने। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अडियाला जेल से उन्होंने 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, कोई ऐसी बातें चल रही हैं कि खान साहब को मूव किया जाएगा वहाँ से? देखिए मैं इस चीज़ को नहीं जानती हूँ कि मूव किया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये बात बहुत अलार्मिंग है, ये इसको बिल्कुल अनसीरियस नहीं लेना चाहिए, ये बड़ी सीरियस और बड़ी ग्रेविटी वाली बात है कि आप ये कहें कि फेडरल उसके अंदर इन हदूद के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये आप सारे अभी यहाँ पे खड़े हैं, एक वोट डालने के लिए आते हैं 10 नाकों पर से गुजरना पड़ता है, हमारी फैमिलीज और हमारे स्पाउस तक को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है और पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पार्लियामेंट के बाहर आ जाती है और ऐसा फील होता है कि शायद हम अवामी नुमाइंदों को भी आने नहीं दिया जा रहा है, 10 दफ़ा यहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है। वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर दहशतगर्दों का पकड़ के और कहीं से रवाना होके आना और उनके पास नक्शे होना, देखिए ये बड़ी सीरियस बात है, खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, बुशरा बेगम साहिबा की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, मैं तो इनको कहूँगी जो इस वक्त ज़बरदस्ती ओथ उठा के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके इनसे मैं सवाल करती हूँ कि आपने सिर्फ यहाँ पे कुर्सी कुर्सी खेलनी है, आपने सिर्फ औहदों की बंदर बांट करनी है, अगर आपने आवाम का और सिक्योरिटी का चीज़ों का भी कुछ सोचना है। बहुत बड़े लीडर हैं खान साहब, कोई आम लीडर नहीं है, पाकिस्तान के भी लीडर है, 12 करोड़ वोटर ने, 25 करोड़ आवाम ने इमरान खान को 8 फरवरी को वोट दिया है और मैं भी उन्हीं की वोट की वजह से आज यहाँ पे खड़ी हूँ। उम्मत मुस्लिमा के भी लीडर हैं, जब यूएन में खड़े होकर वो जो उम्मत मुस्लिमा का और शान रसूल का मुकदमा लड़ते हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ते हैं, फलस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं, सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़ते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं और उनकी जिंदगी को थ्रेट है, इसके ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए और मैं समझती हूँ इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, बहुत ग्रेविटी की बात है, ये बड़ी खतरे की बात है, कल को खुदा ना खास्ता कहेंगे पहले भी उनको